हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का 20 तारीख को कैथल में कार्यकर्ता सम्मेलन है और कैथल जिले का प्रवास है, उसके निमित्त आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंच करके शिरकत करेंगे और हमारे जितने त्रिदेव हैं, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक और BLA 2 और उससे ऊपर के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उन सबसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सरपंच साहिबान हैं, चाहे वो हमारे जिला परिषद के सदस्यगण हैं, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के सदस्यगण हैं, उन सब से रूबरू होंगे और उनसे विचार विमर्श करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर हमारी जो जीत हुई है उस जीत की खुशी मनाने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 12 मार्च को अपना कार्यभार संभाला और उसके पश्चात तुरंत जब आचार संहिता लगी, तो जैसे ही हमारे चुनाव संपन्न हुए, 4 तारीख को जब रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तब से लेकर के आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखते हो कि एक दिन में 2 या 3 योजनाओं को जिस प्रकार से उनका अमेंडमेंट करके किस प्रकार से योजनाओं का लाभ आम जनहित को, आम जनमानस को और मध्यम वर्गीय परिवार को, गरीब परिवार को देने का काम कर रहे हो, चाहे जिस प्रकार से हैप्पी योजना की बात हो, NDC एक योजना उसके अंदर अमेंडमेंट किया है, और चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे आम जनमानस की बात हो, तो उसको जिस प्रकार से कार्यालय में 9 से 11 बजे सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी उसको सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से नित नई नई योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, ये सरकार जो है ये गरीबों को समर्पित सरकार है और हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस को हर सुविधा का लाभ उसकी दहलीज पर मिले, उसकी चौखट पर मिले, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दिन रात प्रयासरत हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे इस कैथल जिले में जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम जनमानस से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का तुरंत वो काम करते हैं। तो उसी कड़ी में आगे जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे उन पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम करेगी। उससे पहले हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ नेताओं की, जिला के पदाधिकारियों की एक बैठक इस कार्यक्रम से पहले है, तो वो आधे घंटे की एक बैठक रहेगी और उस बैठक का स्थान अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में तय किया है और ये बैठक हमारी एक छोटी बैठक होगी। इसके पश्चात जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा उसके लिए अभी हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कैथल का कोर ग्रुप है उसके अंदर हमारे चुनाव लड़े हुए हमारे विधायक, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्यगण, हमारे चेयरमैन, उनको बुलाया है। अभी स्थान हम तय करके उसकी जानकारी आपको दे देंगे और ये एक इस प्रकार की एक रचना और योजना भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर रहती है। तो निश्चित तौर पर ये 2 बैठकें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी लेंगे। एक बैठक हमारी छोटी बैठक होगी जिसमें हमारे जिला के कुछ पदाधिकारी उसमें रहेंगे और उसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ठीक 9:30 बजे शिरकत करेंगे और उनके साथ हमारे सांसद, नवनियुक्त सांसद आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, हमारे विधायक, हमारे दोनों विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीला राम जी, हमारी लोकप्रिय विधायिका क्लायद से श्रीमती कमलेश डांडा जी और हमारे पूरे पूर्व विधायक, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण और हमारे त्रिदेव, जितने भी हमारे त्रिदेव हैं, त्रिदेव से ऊपर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उसके अंदर शिरकत करेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये विधानसभा लेवल का होगा या फिर जिला लेवल का होगा? ये कार्यक्रम जो कार्यकर्ता सम्मेलन है ये हमारे पूरे जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस प्रकार से पूरे जिले के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
जिस प्रकार जिलाध्यक्ष जी ने विस्तार से आपको बता भी दिया है, परंतु जिस प्रकार हैप्पी योजना सरकार ने लागू की है और उसको गरीबों को समर्पित किया है सरकार ने, कैथल जिले में भी मैंने वहाँ शुरुआत की थी और हमारा सौभाग्य है कि कैथल जिले में 84,000 कार्ड बनाए जाएंगे और उसकी शुरुआत कैथल से कर दी गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश में 84 लाख लोगों को ये कार्ड दिए जाएंगे, हैप्पी कार्ड, और इस पर सरकार 600 करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्चा करेगी। ये कहूँगा कि गरीब लोगों के लिए इससे बढ़िया, इससे अनूठी योजना कोई हो नहीं सकती। इस योजना के तहत अगर किसी परिवार में 4 मेंबर हैं तो 4ों को ही वो आई कार्ड दिया जाएगा और उससे वो 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कार्यकर्ताओं की या जनता की मांग थी एनडीसी के बारे में, रजिस्ट्री के बारे में, और उसमें भी सरकार ने विचार विमर्श करके उसको हटाने का काम किया है और इससे भी आम लोगों को, विशेषकर शहरों में बसने वाले लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस प्रकार की योजनाएं सरकार समय समय पर लागू करती रहती है और उनका लाभ जनता तक पहुंचे, उनका लाभ लोगों को बताने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 20 तारीख को कैथल में आ रहे हैं और उसमें कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कैथल और कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत दर्ज की है लोकसभा में, आदरणीय नवीन जिंदल जी अच्छे मतों से जीत दर्ज करके यहाँ गए हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को कैथल आ रहे हैं। ये भी इसका भी बहुत जल्दी सरलीकरण किया जाएगा और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हलकों में, जिलों में जाते हैं और वहाँ पर कार्यकर्ता जो मांग रखते हैं उनको मद्देनजर देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी प्रकार की योजनाओं में सरलीकरण लागू कर रहे हैं।